सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कमर्शियल पेपर थिंग. कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज कमर्शियल पेपर. सीपी कहते हैं उसको. कमर्शियल पेपर पहला आइटम मैं लिखता हूँ, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. अब ये मोस्टली अनसिक्योर्ड होता है. ठीक है, इसीलिए अनसिक्योर्ड होता है. इसका मतलब इसमें कोई ऐसी सिक्योर्ड नहीं है कि भाई आप में पैसा डाला तो आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा. अनसिक्योर्ड है बिकॉज कोई गारंटी नहीं देता इसमें आपको, गवर्नमेंट बैक्ड रहे नहीं रहे, अनसिक्योर्ड है. इसीलिए इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. नॉर्मली ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं, कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और अपना कमा सकता है. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. बैंक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं इसका. इट इज़ इश्यूड फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days टू मैक्सिमम 1 year के लिए. बस आप 2 साल की मैच्योरिटी वाला, 3 साल की मैच्योरिटी वाला कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते. सिक्स्थ, इट इज इशूड इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 5 lakhs एंड मोर. सॉरी, इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 5 lakh, यानी मिनिमम आपको 5 lakh रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में 5, 10, 15, 20 ऐसे. आप अगर 26 लाख इन्वेस्ट करना चाहे कमर्शियल पेपर में, इट्स नॉट पॉसिबल. 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 हाँ, 5 लाख और उसके मल्टीपल में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कमर्शियल पेपर के फीचर्स है. हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कमर्शियल पेपर इशू करना है तो एंटिटी हैज टू गो थ्रू क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस. मतलब आपको क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है. अगर आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई आ रही है बहुत, तो ही आप एलिजिबल है कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए. सो देर आर सर्टन एंटिटीज़ जो सिर्फ वही एंटिटीज़ कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है. हर कोई कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता. कमर्शियल पेपर 7 से 1 साल के लिए. चलो मैं मेन मेन पॉइंट आपको दे देता हूँ. एक तो पहले आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद में जब आप कमर्शियल पेपर इशू करोगे तो दैट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 5 lakhs और मोर. उसके बाद में भी आप जब मैच्योरिटी रहेगी वो 7 साल से मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती है. इट्स काइंड ऑफ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और ये RBI गवर्न करता है. अनसिक्योर्ड होता है और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस डिबेंचर. ये लॉन्ग टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट है. थोड़े से टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन द कमर्शियल पेपर एंड यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट. इट्स काइंड ऑफ अ बॉन्ड छोटा पीरियड के लिए. नोट डाउन कर लो इतनी चीज़ें एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.